सवाल ही नहीं पैदा होता कि वकार ने कुछ चुराया हो। बस खुर्रम अभी गया है तो फिर पता चल जाएगा सही तरीके से कि वजह क्या है। बस हम लोग दुआ ही कर सकते हैं बेटा, और कुछ नहीं कर सकते। अलमास आंटी, पुलिस के लिए तो मशहूर है, वो जिसको पकड़ लेती है उसके साथ बहुत बुरा करती है। तुम परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। अलमास आंटी, शादी करीब है और ऐसा ना हो कि पुलिस वकार को छोड़े नहीं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, कुछ नहीं होगा ऐसे। बस तुम परेशान नहीं हो, आओ बैठ जाओ। कितनी परेशान होगी ना तुम, उससे मसले हल नहीं होते बेटा। दुआ करो बस कि अल्लाह साथ खैरियत के वकार घर आ जाए। हाँ जुबैर यार, कितनी देर में आ रहा है, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ यार। प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाए यार, ठीक है? मैं बाहर ही हूँ। ओके। मॉम, अंकार का कुछ पता चला? खुर्रम गया हुआ है। मैं खुर्रम को कॉल करके पूछती हूँ। तुम खुर्रम को फोन ना करो, उसको अपना काम करने को कहो। मॉम, आपको क्या लगता है कि वकार चोरी कर सकता? मैं तो बेटा सोच भी नहीं सकती, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है ना जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। मॉम आप तो ऐसी बातें ना करें ना, वकार चोरी नहीं कर सकता। बेटा जैसा तुम सोच रही हो ना, अल्लाह करे वैसा ही हो। और खुर्रम के आने पे ही पता चलेगा कि क्या बात है। लेकिन तुम परेशान नहीं? कैसे परेशान ना हूं मॉम? बेटा मैंने हाजत की 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी और अल्लाह से दुआ की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ रद्द नहीं करेंगे। सब अच्छा हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। या मेरे मालिक, या मेरे परवरदिगार, तू अपने हबीब पाक के सदके वकार को रिहाई दिलवा दे। अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में मौला रब्बुल आलमीन, और साथ खैरियत के वो बच्चा घर वापस आए। या अल्लाह, तू तो इज्जतों का रखने वाला है, तू हमारी भी इज्जत रख ले। या अल्लाह ताला, वो बेगुनाह है, वो ऐसा बच्चा नहीं है, तू तो जानता है, वो बेकसूर है। अल्लाह ताला, या अल्लाह ताला, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और तू ही हमारा मदद करने वाला है। या अल्लाह ताला, तू हमारी मदद फरमा, बच्चे को साथ खैरियत के घर वापस आना चाहिए। या इलाहुल आलमीन, या पाक परवरदिगार, अपने हबीब पाक के सदके मुझ गुनाहगार की दुआ सुन ले मौला। आमीन सुम्मा आमीन। मॉम, मॉम खुर्रम भाई अभी तक नहीं आए। आता ही होगा बेटा। क्या होगा? लो खुर्रम आ गए। खुर्रम, तुम पुलिस स्टेशन गए थे, क्या बना? खुर्रम भाई, पुलिस ने वकार को छोड़ा या नहीं? जी, पुलिस ने छोड़ दिया उसे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। जी मॉम, वकार को मैं भी घर छोड़ के आ रहा हूँ। वैसे खुर्रम, पुलिस ने उसे क्यों पकड़ा था? मॉम, पुलिस ने कुछ चोरों को पकड़ा था जिनमें से किसी का नाम वकार भी था। असल चोर तो पकड़ा नहीं गया, वो हमारे वकार को ले गया पकड़ के। देखा ना मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि वकार चोर नहीं हो सकता। मॉम, मैंने पुलिस से इन्वेस्टिगेशन की है, उन्होंने कहा वकार बिल्कुल बेकसूर है। बेटा मैंने तो शुक्राने की नफिल मांगे थे, मैं तो वो पढ़कर आती हूँ। वहां जाकर हमें भूल नहीं जाएगा। तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो।
अम्मी का ख्याल रखना। हाँ ठीक है मॉम। मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ। अरे मैं लौट कर आऊंगा ना और तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मत जाए प्लीज, मत जाए। चाची ठीक कहती हैं, अब यहीं कहीं जॉब ढूंढ लेना। क्या इस तरह रोते हो तुम, मुझे रुखसत करोगे? मुझे आपकी बहुत याद आएगी खुर्रम। अरे मैं तुमसे दूर जरूर जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे दिल में ही रहूंगा। आपका इंतजार करूंगी। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है मॉम। नहीं बेटा आ जाएगा फिर। वाह जी वाह, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और तुम्हारी इसी मुस्कुराहट की खातिर मैंने इतना लंबा सफर तय किया। आज मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुँच ही गए। मोहब्बत की ताजगी और पकीज़गी अपनी जगह, लेकिन अगर इस रिश्ते को मोतबर गिराना लगाई जाए ना तो सब कुछ बेकार चला जाता है। तुमने अपना वादा निभा दिया। एक लड़की को लड़के के वादे पे बहुत भरोसा होता है। और मर्द तो वही होता है जो भरोसा ना तोड़े, तुम्हें तो पता है। क्या? दुनिया में जो कोई भी मोहब्बत करता है ना, वो सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं होती, उसकी माजी के साथ हजारों दास्तानें जुड़ी होती हैं। और जिसे कायम ना रखा जाए तो इश्क वाले बुरा मान जाते हैं और बाद में आने वाले इस रिश्ते पे यकीन करना छोड़ देते हैं। सबा तुम तो जानती हो मैं आज से पहले कभी इतना संजीदा नहीं रहा, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हारी तलब ने मुझे बिल्कुल बदल के रख दिया। लेकिन मुझे तो वही शरारती टीपू चाहिए। वो भी मिलेगा तुम्हें। मेरी हर शरारत की इंतहा तुम्हारी खुशी है और तुम्हारी हर खुशी में एक नई सुबह की इब्तिदा है। मेरा यकीन कायम रखने का शुक्रिया। अब चलती हूँ वरना अब्बा आ जाएंगे। एक तो ये अब्बा ना। हाँ नहीं, मेरा मतलब है अब्बा का होना जरूरी है, आज तो शादी का दिन है। वैसे तुमने आज बताया नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हो। सब लड़कियाँ यही कह रही हैं। क्या? नहीं वैसे मैंने बताया। मैं जा रही हूँ। एक मिनट, आज तो देती जाओ। टीपू
आप निकले। आज मैं बहुत खुश हूँ। जिंदगी की स्नेच का मजा ही कुछ और है। यहाँ तक तुम ही लाए हो। तुम्हारे साथ के बगैर आना मुमकिन नहीं था। हम सफरी का पहला उसूल ही साथ चलना है। हम जिंदगी भर यूं ही साथ निभाएंगे। फिर गाना, और वो भी गलत। ओ सॉरी सॉरी, जीवन भर साथ निभाएंगे हम दोनों। खुदा करे हम सदा यूं ही मोहब्बत करते रहे। हमारी दुआएं मुस्तजाब ठहरी हैं। दिल से मांगे तो अर्श पर अर्जी पहुँचा दी जाती है। और जो दिलों में मोहब्बत रखता है ना, वही साथ निभाने की ताकत भी देता है। और मोहब्बत के बगैर जो है ना, वो शादी अधूरा ख्वाब है। यकीन रखो, तुम मुझे एक अच्छा शरीक हयात पाओगे। भाजन, आप दवाई क्यों नहीं लेते? बेटा मैं तो सोच रहा हूँ दवाई लेके तुम पर छिड़क दूं। शादी इधर नहीं उधर हो रही है।
बस भाई अब मेरे ख्याल में जरा काम की बात हो जाए। बच्चों खुदा की कुदरत है कि सब काम बड़ी खुश असलूबी से हो गया है और जैसा आप लोगों ने चाहा बिल्कुल वैसे ही हुआ है। और अब इसे निभाना और कामयाब करना आप लोगों का काम। क्यों शेर साहब? दुरुस्त कहा। आप उन्हें कोई हिदायत करना चाहेंगे शेख साहब? क्यों नहीं मिर्जा साहब। बच्चों मेरी एक बात याद रखना, शादी के बाद इधर उधर देखने की बजाय एक दूसरे की तरफ देखना, याद डाल लो। मोहब्बत की शादी करने के बाद हम समझते हैं कि अब हम एक दूसरे के शरीके हयात हैं और शरीके हयात का मतलब है शराकत। हम अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा एक दूसरे के नाम कर देते हैं। ठीक कहा आपने, शादी के बाद मैं की जगह हमको देनी पड़ती है क्योंकि मैं की गर्दन करने वाला हमेशा अकेला रह जाता है। अब उम्मीद है कि तुम लोगों ने अपने पसंद के जो फैसले किए हैं उस पे कायम रहोगे। अल्लाह तुम लोगों के नसीब अच्छे करे, हमेशा खुश और आबाद रहो। मेरा ख्याल है खुश नसीबतें बहुत हो गई हैं, अब खाना हो जाए। ये हुई ना काम की बात शेख साहब। अरे हाँ हाँ मैंने कह दिया उन लोगों से। वैसे मैं सबसे छोटा हूँ, एक बात कहूँ, खाना बाद में हो जाए, पहले कुछ थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो जाए। खामोश। अच्छा तुम्हारी खुशी की खातर सोचते हैं कुछ।